प्रदूषण कम होने का सीधा असर होगा पर्यावरण पर। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इससे कम होगा, वो लाखों पेड़ लगाने के बाद भी पाद ही हासिल हो सकता है। साथियों, नवा लाभ ये कि पर्यावरण बेहतर होने से लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा। दसवां, जब प्रदूषण कम होगा, हवा साफ सुथरी होगी, शहर में गैस आधारित व्यवस्थाएं होगी तो और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, टूरिज्म सेक्टर को भी इसका लाभ होगा। और साथियों, इस पाइपलाइन के दो और लाभ हैं जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। इस पाइपलाइन के निर्माण के दौरान 12 लाख मैनडेज का रोजगार जनरेट हुआ है। पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया इकोसिस्टम केरला और कर्नाटका में बहुत तेजी से विकसित होगा। फर्टिलाइजर उद्योग हो, पेट्रोकेमिकल उद्योग हो, बिजली उद्योग हो, हर उद्योग इससे लाभ लेगा और रोजगार के अवसर बनेंगे। साथियों, इस पाइपलाइन का एक और बड़ा लाभ पूरे देश को होगा। जब ये पाइपलाइन पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च, ये खर्च बच जाएगा। भारत COP21 के लक्ष्यों को लेकर जिस गंभीरता से काम कर रहा है, ये प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे। साथियों, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि 21वीं सदी में जो भी देश अपनी कनेक्टिविटी पर और क्लीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा जोर देगा, तेजी से काम करेगा, वो तेजी से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। आज आप जिस भी फ्रंट पर देखें, हाईवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर गैस कनेक्टिविटी, भारत में जितना काम अभी हो रहा है, एक साथ इतने सभी क्षेत्रों में उतना पहले कभी नहीं हुआ। एक भारतीय के तौर पर ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम ये होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम सभी विकास के इस नए आंदोलन का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, पिछली शताब्दी में भारत जिस भी रफ्तार से चला, उसकी अपनी वजह रही है, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना तय है कि आज का युवा भारत दुनिया पर छा जाने के लिए अधीर भारत अब धीरे नहीं चल सकता। इसलिए ही बीते वर्षों में देश ने स्पीड भी बढ़ाई और स्केल भी बढ़ाया, साथ साथ स्कोप भी बढ़ाया। साथियों, भारत की नई पीढ़ी का एक अच्छा गुण है कि वो तथ्यों के आधार पर चीजों को परखती है और उसकी सफलता विफलता को
तुलनात्मक रूप में भी एनालाइज करती है और हर एक बात को तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर स्वीकार करती है। भारत में गैस बेस्ड इकोनॉमी को लेकर अभी जो काम हो रहा है उसमें भी कई तर्क और तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे देश में पहली इंटर स्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। पहली पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद 2014 तक यानी 27 साल 27 ईयर्स में भारत में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 4-6 साल में पूरा होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, इसी तरह एक और उदाहरण है सीएनजी स्टेशन का। हमारे देश में पहला सीएनजी स्टेशन 1992 के आसपास शुरू हुआ था। साल 2014 तक 22 साल में हमारे देश में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 900 से ज्यादा नहीं थी, 900 से ज्यादा नहीं थी, जबकि पिछले 6 वर्षों में 1500 के करीब नए सीएनजी स्टेशन शुरू हुए हैं। अब सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है कि देश भर में सीएनजी स्टेशनों की संख्या को 10,000 तक पहुंचाया जाए। अभी जो ये पाइपलाइन कमीशन हुई है ये भी केरला और कर्नाटका के अनेक शहरों में 700 सीएनजी स्टेशन खोलने में मदद करेगी। साथियों, एक और दिलचस्प आंकड़ा है पीएनजी कनेक्शन का। रसोई में पाइप से जो गैस पहुंचाई जाती है उसका 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 25 लाख पीएनजी कनेक्शन थे, मतलब कि घरों में पाइपलाइन से गैस 25 लाख। आज देश में 72 लाख से ज्यादा घरों की रसोई में पाइप से गैस पहुंच रही है। कोची मैंगलुरु पाइपलाइन से 21 लाख और नए लोग पीएनजी सुविधा का लाभ ले पाएंगे। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक भारत में एलपीजी कवरेज की स्थिति क्या रही ये हम सभी जानते हैं। साल 2014 तक जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देश भर में थे, वहीं बीते 6 सालों में इतने ही नए कनेक्शन और दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना जैसी स्कीम से देश के 8 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों के घर कुकिंग गैस तो पहुंची है, साथ ही इससे एलपीजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में मजबूत हुआ है। साथियों, एक बड़ी वजह रही कि कोरोना काल में देश में रसोई गैस की किल्लत कभी नहीं हुई। गरीब से गरीब को हम उस मुश्किल समय में
करीब 12 करोड़ मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध करा पाए। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का, इतनी तेजी से किए जा रहे कार्यों का एक और प्रभाव हुआ है। इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाती। याद करिए, हमारे यहां केरोसिन को लेकर कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। राज्य सरकारें भारत सरकार को चिट्ठियां लिखती थी केरोसिन का कोटा बढ़ाने के लिए, केरोसिन की डिलीवरी के लिए। केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा तनाव रहता था। आज जब रसोई के लिए गैस आसानी से मिल रही है, रसोई तक गैस आसानी से पहुंच रही है, तो केरोसिन की किल्लत भी कम हुई है। आज देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खुद को केरोसिन मुक्त राज्य घोषित कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आवर गवर्नमेंट बिलीव्स इन ए इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर एनर्जी प्लानिंग। आवर एनर्जी एजेंडा इज ऑल इंक्लूसिव। सिंस 2014 वी हैव ब्रॉट इन वेरियस रिफॉर्म्स अक्रॉस द ऑयल एंड गैस सेक्टर। These reforms cover exploration and production, natural gas marketing and distribution. We plan to achieve one nation, one gas grid. We also want to shift to gas-based economy. The use of natural gas has several environmental benefits. The government is taking policy initiative to increase the share of natural gas in India's energy basket from 6% to 15%. Crores of rupees would be invested in the oil and gas sector in this decade itself. Dedication of this Kochi-Mangaluru natural gas pipeline of GAIL is a part of our journey to move towards one nation, one gas grid. Clean energy is important for a better future. The pipeline will help improve clean energy access. Our government is also making many efforts in other sectors. Take for example the Swachh Bharat movement, the efforts to increase LED bulbs for electric इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। साथियों, आज कोशिश ये है कि देश को भविष्य की जरूरतों, भविष्य की एनर्जी नीड्स के लिए आज से ही तैयार किया जाए। इसलिए एक तरफ देश में नेचुरल गैस पर फोकस किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश अपने एनर्जी रिसोर्स को भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। अभी हाल ही में गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का हाइब्रिड सिस्टम का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट का काम शुरू हुआ है, विंड और सोलर कंबाइन। इसी तरह आज देश में ही बायोफ्यूल्स पर बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। गन्ना हो या अन्य एग्रो प्रोडक्ट्स हो, इनसे इथेनॉल के निर्माण पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अगले 10 साल में पेट्रोल में होने वाली इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े सेक्टर को, इसमें जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम देशवासी को पर्याप्त, सस्ता, प्रदूषण रहित ईंधन मिले, बिजली मिले, इसके लिए हमारी सरकार
पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। भाइयों और बहनों, देश के संतुलित और तेज विकास की सोच हमारे कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर भी स्पष्ट रूप से दिखती है। केरला हो, कर्नाटका हो, साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है। हमारा कोस्टल रीजन ईज ऑफ लिविंग का भी मॉडल हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतरीन हो, इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी हमारे किसानों की है, हमारे मछुआरे साथियों की है। ये सभी साथी समुद्री संपदा पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े संरक्षक भी है। इसलिए पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं। मछुआरों को डीप सी फिशिंग के लिए जरूरी मदद हो, फिशरीज का अलग डिपार्टमेंट बनाना हो, मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है। आज मछली से जुड़े एक्सपोर्ट में तो हम तेजी से आगे बढ़ ही रहे हैं। एक क्वालिटी प्रोसेस सी फूड का हब भारत हो, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया में सीवीड की डिमांड बढ़ रही है, जिसको पूरा करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। सीवीड फार्मिंग के लिए किसानों को जितना प्रोत्साहन मिलेगा, उतनी ही तेजी से इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। हम एकजुट होकर संकल्पित भाव से काम करेंगे, तभी हम हर राष्ट्रीय लक्ष्य को तेजी से हासिल कर पाएंगे। एक बार फिर कोची मैंगलुरु गैस पाइपलाइन के लिए केरला और कर्नाटक के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, इस काम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।